दोस्तों क्या होता है जब सुनसान रोड पर एक लड़के को भूतिया फोन मिल जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम रोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो रात के भरे सन्नाटे में स्कूटर का किक मार रहा था। दरअसल रोनी यहाँ रोड पर अकेले फंस चुका था। वो अपने दोस्त के पास फ़ोन लगाकर उसको यहाँ पर आने को कहता है। तभी वो देखता है कि रोड पर मोबाइल गिरा पड़ा हुआ है। वो मोबाइल को पाकर बहुत खुश हो गया था। वो सिम निकालकर उसमें अपना सिम लगा देता है और वहाँ से गाड़ी लेकर थोड़ा दूर चला जाता है। गाड़ी पर बैठकर वो सोचता है कि थोड़ा मोबाइल को चेक कर लेते हैं। तभी उस मोबाइल पर कॉल आता है और कॉल उठाते ही उधर से आवाज़ आती है, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा, तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। देखना मैं भी सबको छोड़ के चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। और इतना कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। लड़का समझ नहीं पाता। तभी लड़के की मम्मी का फोन आता है। वो पूछती है, कहाँ है बेटा, मैं कब से तेरी वेट कर रही हूँ। अरे मम्मी मेरी ना स्कूटी खराब हो गई है, अभी मैंने प्रिंकल को फोन किया, वो बस आता ही होगा। कहाँ है बेटा, मैं कब से तेरी वेट कर रही हूँ। मम्मी आप एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हो। आज मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, बस तुम होगी। आज हेलो? मुझे ना मरने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो। तब लड़के की फट जाती है, वो फोन को फेंक देता है। अचानक से रोनी का हाथ कोई पकड़ लेता है और तभी सामने से गाड़ी आती है। रोनी एकदम डर जाता है। उसी समय रोनी का दोस्त आ जाता है। वो कहता है, मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मेरे पापा ने मुझे कहा, 2 दिन पहले एक लड़के ने यहाँ लड़की के लिए आत्महत्या कर ली थी। और जब ये बात उस लड़के की माँ सुनती है तो उनको भी हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से वो मर गई। लड़का एकदम सोच में पड़ जाता है और वो बिना फ़ोन लिए घर जाने लगता है। अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताता। अब कहानी के लास्ट में दिखाया जाता है कि वो फ़ोन किसी और के हाथ लग गया था। मतलब अब वही सब घटना उसके साथ भी होने वाली है। और ये छोटी सी फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।